मौके पर ड्यूटियां देने के लिए भर्ती होते हैं, उनका मैसेज जो हो रहा है उनसे नजायज काम करवाए जाते हैं, वो हमारा मान सम्मान है कि 1911 के जोड़े कानून है वो उन्होंने फिर बदल किया जाए। ये साड़ी मांग आ, सब तो पहली मांग यही है कि साडे मान सम्मान की जगह। मैं देखो ये 200-250 बैठे, ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं ये 28 लाख सैनिकों को कर रहे हैं, ये 28 लाख सैनिकों की मांगों को आगे लेके चल रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। मैं बता दूं आपको कि जब समंदर के अंदर सुनामी आती है तो बड़े बड़े द्वीप तबाह हो जाते हैं, और सैनिक वो है, समंदर है, जो धैर्य के साथ रुका रहता है, अपने आप को अनुशासन में बांधे रखता है, क्योंकि समंदर कभी मर्यादा नहीं तोड़ता, मर्यादा नहीं तोड़ता। लेकिन क्या लगता है कि सुनामी उठने का समय आ गया है, सुनामी उठेगी या मर्यादा में बंधे रहेगा समंदर? नहीं नहीं, देखिए मर्यादा में रह के ही हम सुनामी उठाएंगे। जो हमारे को संविधान ने अधिकार दिए हैं उसी संविधानिक तरीके से ही हमने जड़ा सुनामी लेनी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनडिसिप्लिन या कोई आज बींगे हम सबका सैनिक, बिल्कुल पीसफुली तरीके से, जैसे कि 20 फरवरी से हमारा धरना चल रहा है ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर सुनामी की भी बात आएगी तो सुनामी भी ले आएंगे। वो अभी जो हमारा कल आज हमारा 50वां दिन हाफ सेंचुरी हो चुकी है, जिसके लिए हम जितने पूरे देश के सबका सैनिक जिन्होंने हमारा सहयोग दिया उनका असं तय दिल से धन्यवाद करते हैं कि 50 दिन तक तो तुम बिल्कुल पीसफुल तरीके से ये हमारा एजिटेशन चला है। और आगे जो है, जैसे कि कल हमने एक यूनाइटेड फोरम बनाया है जिसके अध्यक्ष सूबेदार राठौर जी बनाए हैं, और उसके बाद अभी कमेटियां बनी हैं, बाकी हैं, 2-4 दिन लगेंगे। और जैसे ही सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर पूरे देश ने विश्वास किया, मान दिया, हमारे सदे के ऊपर जो भी अभी तक प्रोग्राम हुए हैं, फर्दर जो भी बड़ा कोर्स एक्शन होगा, वो जो यूनाइटेड फ्रंट बना, जो भी साझा प्लेटफॉर्म बना है, उसके जो आदेशों के अनुसार हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जब भी हमारे को जो है वो कॉल देंगे, हम जैसे पहले तनो मनो धनो काम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहेंगे। तीर कमान से निकल चुका है, जो आप कह रहे हो ना कि अनुशासन की बात कह रहे हो, लेकिन जो आंदोलन है अब ये ORP से बड़ा हो गया। ये आंदोलन पूरी तरीके से जवानों के हक की बात करता हुआ लग रहा है मुझे तो, क्योंकि अफसरों की जो जड़े है ना, ये खोदने वाला आंदोलन हो रहा है। ये सिर्फ ORP सीमित 2 तक की लड़ाई नहीं लग रही है मुझे। जिस तरह अफसरों ने जवानों के साथ अन्याय किया है पूरा, वो सारी बातें खुल के आ रही हैं, और वो चाहे मान सम्मान की बात हो, क्योंकि पैसा तो बहुत छोटी चीज है, ये आंदोलन तो सम्मान की लड़ाई में ये लड़ाई हमारी मान सम्मान की लड़ाई भी है, और ये हमारी आर्थिक लड़ाई भी है। जो हमारा आर्थिक शोषण हुआ है, जो अधिकारियों ने हमारे कट सो करके जो भी बेनिफिट लिए हैं, और साथ में हमारा मान सम्मान की लड़ाई है, जैसे कि मेडल वाला सिस्टम है, सहायक सिस्टम है, वो हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। क्योंकि हमारे जो बच्चे जो बॉर्डरों के ऊपर ड्यूटियां देने के लिए भर्ती होते हैं, उनका मैसेज जो हो रहा है उनसे नजायज काम करवाए जाते हैं, वो हमारा मान सम्मान है कि 1911 के जोड़े कानून है वो उन्होंने फिर बदल किया जाए। ये साड़ी मांग आ, सब तो पहली मांग यही है कि साडे मान सम्मान की जी मांग आ, और जो साडे नाल मैडल के विचकला हो रहा कि जेडे 97% असी JCO जवान है उनको 3% मैडल मिलते हैं, जो 3% अधिकारी है उनको 97% मैडल मिलते हैं। ये सब जो सहायक सिस्टम मैडल जो है ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। बाकी जो हमारे साथ ORP में वधीकियाँ हुई हैं, इक्वल MSP, इक्वल डिसबिलिटी पेंशन, जो आज तक जितने भी पे कमीशन हुए हैं वो सब तो वड्डा जोड़ा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है 7वें पे कमीशन के हुई है, जो अधिकारियों 2.81, हमारे जवानों को 2.57, ये बहुत बड़ी अनजस्ट हुई है हमारे साथ। बाकी जो है हमारे कपिल भाई जी आपको बताएंगे। कपिल जी, लगातार पूरे देश का भ्रमण आप कर रहे हो, बात उठती है कि मोदी जी ने अभी 100वां एपिसोड किया अपने मन की बात का, सैनिकों के मन की बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मोदी जी, और क्यों नहीं कह रहे हैं? पहले तो मैं पत्रकार मुद्दों का धन्यवाद करता हूं, आज 50वां दिन है तो हो जाएगी मन की बात भी, क्योंकि अभी मन की बात ही होंगी, क्योंकि कल जो यूनाइटेड फ्रंट की न्यू रखी गई है कि इससे पहले 75 सालों में जवान JCO का ऐसा कोई फ्रंट था ही नहीं, वो छोटी छोटी कमेटियों में बटे हुए थे, और इन सभी कमेटियों को हमने एक छाते के नीचे लेके आए। व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है, किसी संस्था का नहीं है, आज के दिन ही आज जो ये जंतर मंतर में बैठे हुए जो सैनिक हैं, ये आप ये मत देखो ये 200-250 बैठे,
ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं, ये 28 लाख सैनिकों को कर रहे हैं, ये 28 लाख सैनिकों की मांगों को आगे लेके चल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे मान और सम्मान से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि जो भेदभाव है ना, वो जब हद से ज़्यादा चला जाए तब आपकी आवाज़ उठेगी, और इसमें आवाज़ उठाई है पूरे सैनिकों ने पूरे देश में। लगातार ये बात उठती जा रही है कि आज़ादी मिली लेकिन अंग्रेजों के काले कानूनों से आज़ादी नहीं मिली, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सेना में अंग्रेजियत के खिलाफ जो अफसरशाही के खिलाफ है ये आज़ादी की लड़ाई है, कि अब जवान अंग्रेजियत को अफसरशाही को बर्दाश्त नहीं करेगा, सम्मान की बात होगी, क्योंकि अफसरशाही जिस तरीके से सैनिकों को दोयम दर्जे का बनाकर रखती है उसे मानने से साफ तरीके से इनकार कर दिया है। देखो सर, कोई भी संस्था होती है वो चलती है अधिकारी के पे वो चलती है, ऐसा नहीं है अधिकारी हमारे भाई नहीं, एक सिक्के के दो पहलू, वो हमारे भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सेना को चलाना भी उनको है और उनके आदेश को भी मानना है, पर रिटायरमेंट होने के बाद में हम फ्यूज बल्ब हैं, मतलब एक तरह से हम इंसान हैं, हम जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान को लेके चल रहे हैं कि आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 16 है, जो नौकरियों के अंदर भेदभाव है, वेतन के अंदर भेदभाव है, आर्टिकल 19 है जिससे हमारी आवाज़ भारत सरकार तक जाए, और अगर ये भेदभाव टूटते हैं तो आप यकीन मानिए हमारी जो सेना है भारत की आवाज़ तीसरे नंबर पर हो, पहले नंबर पर हो, तो सबसे बड़ा सपना तो ये है कि भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बने। भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना होगी। मैं बता दूं कि इस देश के जवान JCO OR के अंदर वो शक्ति है कि वो पूरी सेना को टॉप पर ले जाकर रखते हैं, लेकिन जब आती है अफसरों की बात तो हमेशा सवाल उठता ही है। मैंने कई वीडियोस करे, मैंने जानने की कोशिश की, सैनिकों से जब मैं बात करता हूँ तो माइक पर नहीं आके बोलते, क्योंकि बहुत सम्मान है, बहुत अनुशासन में हैं आपके लोग, और अच्छी बात भी अनुशासन में रहना चाहिए, लेकिन जो अध्याय हैं, काले अध्याय हैं अफसरों के, वो खुल खुल कर आ रहे हैं, और आप कितना रोकोगे? देखो, झूठ को कितना भी दबाया जाए आप नहीं बोलोगे, लेकिन सच तो निकल के आएगा ही, और लोग बोल रहे हैं अलग अलग मीडिया चैनल्स पे, अफसरों को शर्म आ रही है। देखिए, हम ना तो सरकार के अंगेज हैं ना अधिकारियों के, पूरे अफसर एक जैसे नहीं हैं। हमने RTI पा के जवाब मांगा था डिफेंस मिनिस्ट्री से कि बताया जाए कि जो अधिकारी अपने घरों में जवान जो बॉर्डर पे ड्यूटी देने के लिए फौज में जाता है, जो क्या कि जवान जो किसान मजदूर बहुजन समाज गरीब वर्ग का बच्चा होता है उससे जो नजायज काम लिए जाते हैं, आप बताया जाए कि ये अथराइज है। हमारे पास रिटर्न में जवाब है, लेकिन जो अधिकारी, हम पूरे अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराएंगे, जो अधिकारी कानून के खिलाफ, जबकि कानून ही नहीं है उनको घरों में रखने के लिए जो नौजवानों को, तो वो अगर रखते हैं तो वो जड़े हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। कई दफ़ा ही डिफेंस मिनिस्ट्री को रिटर्न के बच्चे भी असं ये मैंबरों को दे चुके हैं। अगर जो अधिकारी बिल्कुल ईमानदार है, जो नहीं रखते हैं, उनके ऊपर हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। सेना के अंदर दोहरी व्यवस्था, जिसमें एक कमीशन्ड ऑफिसर होता है और एक जवान से जाकर होता है, तो ये दोहरी व्यवस्था क्यों नहीं? सबको जवान होना जरूरी हो, तभी तो आपकी बात उठाएगा। वो कभी जवान रहा ही नहीं, वो तो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है अधिकारी, उसने कभी जवान का दर्द जाना क्या? जो OR होता है और जो ये जो अंग्रेजों के कानून थे उसको बदलना क्या आपको नहीं लगता कि महत्वपूर्ण है? वो तो अंग्रेजों के कानून के थे, हम बार बार मांग कर रहे हैं, अपने मेंबरों ने भी कई दफ़ा डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंगें भी की हैं, ये जो मुद्दे हमने डिस्कस किए हैं ऑन द टेबल दे भी, और जो 1911 का कानून है उसमें फिर बदल करने की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेज चले गए हैं। अंग्रेज जो है जब इधर थे, हमारे को अपने जो भारतीय सेना उनको गुलाम समझते थे, तो अभी तो हमारा देश आज़ाद हो गया है, जब संविधान चेंज हो गया तो आर्मी रूल भी चेंज होने चाहिए। ये काले कानून जो अंग्रेजों के हैं, काले अंग्रेज पैदा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, काले अंग्रेज तो आप तो बड़ा संभल के बात करते हो, मैं थोड़ा ब्लंट पूछ रहा हूँ, लेकिन काले अंग्रेज जो अधिकारी जवानों का हक खाले वो काला अंग्रेज है? बिल्कुल, जो जवानों का हक खाते हैं, जो जवानों को शोषण करते हैं, उनको तो हम काले अंग्रेजी कहेंगे, लेकिन पूरे अधिकारी ऐसे नहीं है। देखिए, लगातार बड़ी साफ गोई से बड़ी संभल कर बयान दिए जा रहे हैं पूर्व सैनिकों की तरफ से, और ये तो साफ हो गया है कि अफसरों के हाथ से नियंत्रण जा चुका है और कमान आ चुकी है सैनिकों के हाथ में, और जब सैनिक कमान उठाता है तो वो युद्ध जीत कर ही आता है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सैनिक अगर कहीं होता है जो घास की रोटी खाकर लड़ सकता है, तो वो भारत का सैनिक है। ऐसे सैनिकों जब खड़े हो जाएंगे तो सरकार की कान खड़े होना स्वाभाविक है, अगर नहीं खड़े होते कान तो 2024 के अंदर सरकार को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है
कि सरकार को सैनिकों की बात सुननी चाहिए, सैनिकों के हक में बात रखनी चाहिए। अगर रखनी चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत।